इस वक्त की बड़ी खबर, पांचवी और आठवीं की अर्धवार्षिक परीक्षा पर बड़ी खबर है। राज्य शिक्षा केंद्र के ब्लूप्रिंट के आधार पर होंगे अब क्वेश्चन पेपर। निजी स्कूलों के लिए राज्य शिक्षा केंद्र ने तैयार की है गाइडलाइंस। सरकारी स्कूलों के लिए अलग से होगी व्यवस्था। प्रदेश स्तर पर ही तैयार किए जाएंगे पेपर। प्रदेश के स्कूलों में एनसीईआरटी और एससीईआरटी से हो रही पढ़ाई। बच्चों को अभी से प्रश्न पत्र की जानकारी देने के निर्देश भी दिए गए हैं। वार्षिक परीक्षा में अंकों को तीन हिस्सों में बांटा गया। लिखित एग्जाम के लिए 60, प्रैक्टिकल के लिए 20 अंक। और राज्य शिक्षा केंद्र ने सभी जिला कलेक्टरों को रूपरेखा भी भेज दी है। दोनों कक्षाओं में 24 लाख स्टूडेंट्स परीक्षाओं में होंगे शामिल। और इस खबर पर और ज़्यादा जानकारी के साथ अमृतांशी हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रही हैं। अमृतांशी, जानना चाहेंगे आपसे क्या क्या अब प्लानिंग की गई है जो हाफ अर्ली एग्जाम बच्चों के होंगे, क्या उनमें बदलाव किया गया है? बिल्कुल, देखिए अगर बात करें तो जो पांचवी और आठवीं की अर्धवार्षिक परीक्षाएं होती है इसको लेकर इस बार एक बकायदा गाइडलाइन जारी की गई है। और जो प्रश्न पत्र तैयार करने की प्रक्रिया होती है वो सरकारी स्कूलों के लिए और जो अलग से प्राइवेट अशासकीय शालाएं हैं उनके लिए रहेगी। महत्वपूर्ण तौर पर अगर बात की जाए तो एनसीईआरटी और एससीईआरटी की बुक से ही जो है वो प्रश्न पत्र तैयार किए जाएंगे। निजी विश्वविद्यालय, माफ कीजिएगा, निजी जो स्कूल है, जो अशासकीय स्कूल है, वो इस गाइडलाइन के अनुसार इन दोनों बुक्स के साथ ही अपने प्रश्न पत्र तैयार करेंगे और वो स्कूल के लेवल पर ही प्रश्न पत्र तैयार कर सकते हैं। हालांकि जो शासकीय स्कूल रहेंगे यानी कि जो सरकारी स्कूल रहेंगे उनके लिए प्रश्न पत्र सरकारी जो है वो विभाग ही तैयार करेगा। वो प्रश्न पत्र प्रदेश स्तर पर ही तैयार किए जाएंगे और प्रश्न पत्र भेजे जाएंगे। जो अशासकीय विद्यालय है उनके लिए जो गाइडलाइन के अनुसार प्रश्न पत्र तैयार होंगे वो ब्लूप्रिंट जो है वो शिक्षा राज्य शिक्षा केंद्र ने जारी किया है। और उसके बाद कलेक्टर्स को भी ये निर्देश जारी कर दिए गए हैं कि जो अर्धवार्षिक परीक्षा होनी है जिसमें करीबन 24 लाख से भी ज्यादा जो छात्र हैं वो शामिल होते हैं, तो उसमें जो व्यवस्थाएं हैं, जो तैयारियां हैं, वो पूरे कलेक्टर के हाथों में रहती है, तो वो पूरे कलेक्टर करवाएंगे और इसी हिसाब से प्रश्न पत्र तैयार हो इसको लेकर एक गाइडलाइन जारी की गई है। महत्वपूर्ण बात यह है कि इस बार जो है जो अंक है उनको तीन हिस्सों में बांटा गया है। पहला जो 60 मार्क्स का जो रिटर्न एग्जाम होगा, जो लिखित परीक्षा होगी, 20 मार्क्स के प्रैक्टिकल एग्जाम के मार्क्स जोड़े जाएंगे, 20 मार्क्स जो है वो अर्धवार्षिक जो परीक्षाएं हैं उनके अंक जोड़े जाएंगे जो कि आगे कैरी फॉरवर्ड होंगे। एक तरह से देखा जाए तो प्रश्न पत्र में कोई गड़बड़ियां ना हो, आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चंस ना आए, इसको लेकर खासतौर से गाइडलाइन जारी की गई है। जी, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका अमृतांशी।